जेएमएम के कद्दावर नेता चंपई सोरेन के बगावत तेवर से संकेत मिल रहा है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो नया होने वाला है। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें के बीच क्या होगा, उनका राजनीतिक पड़ाव और क्या झारखंड में होगा कोई बड़ा खेला? आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के एक्स पर की एक पोस्ट के बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रक्रिया भी सामने आ रही है, जिस पर आज चंपई सोरेन ने चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है। बात हुई क्या? नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, ऐसा कोई हमारा यही नहीं है, तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या? अभी तो कौन ये सब कह रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, चलो चंपई से अभी कोई नया बोलना नहीं। इसी कड़ी में झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, गठबंधन को इस पर अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि वो उनका अंदरूनी मामला है, इसलिए वो बेहतर तरीके से इसे सुलझा सकते हैं। हेमंत सोरेन एक अच्छे सीएम है और सरकार अच्छे से चला रहे हैं। वे गुरुजी के पुत्र हैं, राजनीति की बारीकियां समझते हैं। इस पर हमारी तरफ से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, इस पे कोई इंडिया गठबंधन को कोई विशेष करके इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष रखने की जरूरत नहीं है। वो उनके अंदरूनी मामले हैं और वो बेहतर तरीके से हेमंत सोरेन जी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं और अच्छे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज भी अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी गहरा अनुभव है और गुरुजी के पुत्र हैं, इसलिए राजनीति की सभी बारीकियां समझते हैं, जानते हैं और उनके अंदरूनी मामले हैं, तो उस पर विशेष कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का भी बयान सामने आया है। मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी ने 5 महीने चंपई सोरेन को गाली देने का काम किया है, अब वही नेता उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं, तो समझ नहीं आता इनकी मानसिकता क्या है। चंपई सोरेन बड़े नेता हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वे कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। देखिए, चंपई बाबू एक सम्मानित नेता है, आज भी हम लोगों को उनके प्रति हम लोगों का सम्मान है, तमाम पार्टी वर्कर्स यहाँ तक कि माननीय हेमंत जी भी पिता तुल्य मानते थे उनको, आज भी मानते हैं। एक क्षेत्रीय दल में सबसे बड़ा राजनीतिक पद जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है और वो पद देने का काम पार्टी ने और हेमंत जी ने किया था, कितना विश्वास। उसके बावजूद चंपई दा ने ऐसा निर्णय लिया, बहुत तकलीफ होती है, अपना एक अंग थोड़ा सा भी चोट लग जाए, कट जाए तो पीड़ा होती है, वही पीड़ा की अनुभूति हो रही है। लेकिन जो भी फैसला वो करने जा रहे हैं, जिसका एक अंदेशा हम लोगों को है, बहुत दुखद है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो कदम है उनका वो आत्मघाती कदम है, ये नुकसान उनको पहुँचाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान, क्योंकि हम इतिहास गवाह है, इतिहास में हम लोगों ने देखा है कई एक सुरमा पार्टी छोड़े और उसके बाद क्या हश्र उनका हुआ, कई एक वापस भी आए पार्टी में, पार्टी और भी मजबूत होते गई, तो किसी के आने जाने से पार्टी की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो फैसला है चंपई दा ने किया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।